लोड ट्रैक्टर ट्रॉली एनएच पर भी दौड़ रहे हैं। शुगर मिल संचालकों और परिवहन विभाग की कथित साजिश से यमराज बनकर सड़कों पर दौड़ते ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें कि जिले में ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों से ईट और रेत को अवैध रूप से पहले ढोया जाता है। शुगर इंडस्ट्री के चालू होने के बाद तकरीबन 6 महीने गन्ने की ढुलाई होती है। अब जिले के 3 शुगर मिल चालू हो चुकी है, जिसके बाद सड़कों पर गन्ने की ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली ही ट्रॉली दिखाई दे रही। कौन सी फैक्ट्री? रजपुरा। कौन सी फैक्ट्री? शुगर मिल में। तो ये कहाँ से लेके आते हो गन्ना? डकारा पुख्ता, छकड़े से आते हैं। नहीं, इस चीज को लेकर हम पहले से हम लोग सतर्क है और कमेटी जो एक जांच कमेटी हर एक तहसील पे एसडीएम के अध्यक्षता में बनी हुई है, इनका कार्य है कि ये चीजों को इन चीजों पर नियंत्रण रखे। और अभी तक ऐसी कोई हमें मेजर शिकायत नहीं मिली है किसी किसान के द्वारा या किसी गन्ना समिति के द्वारा, लेकिन हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए रखे हैं और हमारी कोशिश ये होगी कि इस तरह का अवैध संचालन न हो। अंबेडकर नगर में एक युवक पुलिस द्वारा